कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रजेश के भाइयों को पीटने वाले चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किया गया है। अमरोधा चौकी इंचार्ज को किया गया है लाइन हाजिर। ब्रजेश के परिजनों के साथ मारपीट की थी। अमरोधा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। तो आपको बता दें कि ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके भाई को पुलिस उठाकर ले गई थी पूछताछ के लिए, जिसके साथ उसकी मारपीट की गई थी। लेकिन अब उस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। ब्रजेश के भाइयों को पीटने वाले चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। अमरोधा चौकी इंचार्ज को किया गया है लाइन हाजिर। ब्रजेश के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता मोहित कश्यप। मोहित, क्या कुछ मामला है? रिचा, कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाहियां नजर आई थी, जिसको लेकर के परिजन लगातार चौकी इंचार्ज पे आरोप लगा रहे थे। जो उसका मौसेरा भाई था उसको पुलिस ने पीटा था, और जो फूफा का जो लड़का था उसको भी पुलिस ने पीटा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाहियां सामने नजर आई थी। पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एडिशनल एसपी ने जांच में जो चौकी इंचार्ज को दोषी पाया था, जो अमरोधा चौकी इंचार्ज है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस जो मारपीट की गई, जिसने घटना की उसको पुलिस न उठा करके तो उनके रिश्तेदारों को उठा रही थी। इस मामले में एडिशनल एसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। जी रिचा, चलिए शुक्रिया मोहित कश्यप, नजर बने रहेगी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ब्रजेश के परिजनों के साथ मारपीट की गई थी, इसी को लेकर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। ब्रजेश पाल का शव बरामद हुआ था, तो पूछताछ के लिए मृतक ब्रजेश के रिश्तेदारों को उठा लिया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर गांव के पास राम गंगा नहर पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। दरअसल तेज